नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लेटेस्ट खबर देने वाले चैनल जॉब प्लेसमेंट पंकज कुमार में। जॉब प्लेसमेंट चैनल के माध्यम से आप एजुकेशन शिक्षा भर्ती के संबंध में कोई भी लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हैं तो बेल आइकॉन को जरूर दबा दें। साथ ही फ्रेंड, जो चैनल में नए हों तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड, आज बात करते हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती काउंसलिंग प्रक्रिया के संबंध में वर्ग एक, वर्ग दो एवं तीन के बारे में। जैसा कि फ्रेंड आप देख रहे हो कि लोक शिक्षा संचालक के द्वारा जो शेड्यूल बनाया गया था उसमें फ्रेंड वर्ग एक की जो काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें फ्रेंड जो जिला स्तर पर वेरिफिकेशन होनी थी उसमें डेट में वृद्धि की गई है। क्या कारण से यह डेट में वृद्धि की गई है? साथ ही फ्रेंड, जो उच्चतर माध्यमिक जो भर्ती प्रक्रिया की जो ट्रिपल विभाग की जो काउंसलिंग च्वाइस फेल होनी थी, साथ ही उसकी मेरिट लिस्ट जारी होनी थी, वो मेरिट लिस्ट जारी क्यों नहीं हुई, क्या रीज़न है? जैसा कि फ्रेंड आप स्क्रीन पर देख रहे हो, जैसा कि फ्रेंड आप आगे देख रहे हो, ट्रिपल विभाग की जो कि 26 तारीख यानी 26 मार्च 2019 को मेरिट लिस्ट जारी होनी थी उसमें परिवर्तन किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि फ्रेंड कोरोना वायरस की दृष्टि के कारण जो परिवार संचार व्यवस्था है, अन्य प्रकार के जो केंद्र हैं उसमें कोई भी बर्तर काम नहीं कर रहा, जिसके कारण फिर सत्यापन की प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है, जो कि फ्रेंड आप देख रहे हो 22 मार्च 2020 को लोक शिक्षा संचालन मध्य प्रदेश के द्वारा यह आदेश जारी कर दिया गया था, जो कि अब प्रक्रिया 1 अप्रैल 2020 के स्थान पर या 20 अप्रैल 2020 से प्रारंभ की जाएगी, चाहे फ्रेंड वो ट्रिपल विभाग की हो, चाहे फ्रेंड उच्चतर माध्यमिक यानी सीधी भर्ती प्रक्रिया का हो, उसमें परिवर्तन जरूरी होगा। जैसा कि आप देख रहे हो, वर्ग तीन की जो भी फ्रेंड पात्रता परीक्षा की डेट है उसमें भी फ्रेंड जल्द से जल्द परिवर्तन होने वाला है। पीबी की साइट पर जो भी नोटिस सबसे पहले जारी होगा मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले देने का प्रयास करूंगा, जिसके लिए फ्रेंड धन्यवाद। आप चैनल में इसी तरीके से बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।